ठीक है, 3 दिन इंट्रोडक्टरी क्लास, ये आपकी समझ विकसित करेगा। शोभा पहल नहीं करें। चलो, तो ये कहानी शुरू होती है 1600 ईस्वी या ईसा पूर्व, ईस्वी 1600 ईस्वी से, ठीक। ईसा पूर्व और ईस्वी का कंसेप्ट पता है? किसे नहीं पता है? पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे यार पेन खास, ईस्ट इंडिया बैक, हाँ ये है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है। अंग्रेज़ों की कंपनी, ब्रिटेन की महारानी से जो है चार्टर या अनुमति लेकर अंग्रेज़ जो है वो भारत पहुंचते हैं। मकसद है व्यापार, और ये उस समय की बात है जब यूरोपीय मार्केट में मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, मसाले स्पाइसेस, और जो भारतीय जलवायु है वो मसालों को बहुत सूट करती है, और ये उस समय की भी बात है जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ। अबे सालों, तुम लोग कब समय पे आना सीखोगे रे? हाँ, मसालों, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं था, और आप जानते हो कि यूरोपीय देशों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ जो शराब है, वाइन बोल लो, शराब बोल लो, या फिर मांस, ये उनकी ज़रूरत है। बिना इसके वो अपने शरीर को गर्म नहीं रख पाएंगे उतनी ठंड में। तो ठंड के मौसम में एक और प्रॉब्लम होता है कि ठंड के मौसम आने से पहले ही जानवरों को आभास हो जाता है, और वो जो है हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं, मतलब अपना खाना इकट्ठा करना पहले से ही शुरू कर देते हैं, ताकि जैसे ही ठंड आए वो अपने अपने बिलों में वहीं पूरा ठंड वहीं बिताएंगे। तो फिर भाई शिकार भी तो मुश्किल हो जाता है, शिकार भी मुश्किल हो जाएगा, ठंड में शिकार मिलेगा नहीं, तो अपने शरीर को उतनी अत्यधिक ठंड में मेंटेन रखना। तो वो साले आते वीआईपी की तरह, हाँ, तो बहुत चुनौती भरा काम, मांस उपलब्ध नहीं होगा, जब जानवर निकलेंगे नहीं तो शिकार कैसे होगा, और मांस उपलब्ध नहीं होगा, और जो कि उनके शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पहले से शिकार कर लें। दिमाग में एक बात आएगी कि भैया जब गर्मी के दिनों में और आम दिनों में शिकार कर लें और मांस को रख लें, लेकिन उसको सुरक्षित रखेंगे कैसे, रेफ्रिजरेटर तो था नहीं। लेकिन उनको एक विधि पता थी कि मसालों का लेप यदि लगा दिया जाए मांस पर तो लंबे अवधि के लिए उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर एक आपके मन में दिमाग आएगा, सर वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, बर्फबारी बहुत होती है, तो बर्फ़ में मांस रख देते तो प्रिजर्व हो जाता। अरे भाई, ओपन बर्फ़ में मांस रख देंगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया और ये सब छोटे छोटे कीटाणु नहीं खा जाएंगे, मांस को ख़राब नहीं कर देंगे, ठीक, ये स्थिति पैदा होती है। तो मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोपीय मार्केट में, और उन्हें पता था भारत महिला भारत में मसालों का खेप है, मारा मालाबार कोस्ट, ये केरला वेरला जानते हो ना, ये मसालों के लिए ही जाने जाते हैं। तो आए और मसालों का व्यापार, बहुत कम दाम में यहाँ से मसाले उनको उपलब्ध हो जाते थे, जाके अपना इस्तेमाल भी करते थे, और अन्य यूरोपीय देशों में बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाते थे। उनको बहुत मुनाफा दिखने लगा भारत से व्यापार करने में, धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया, है ना। वो मसालों से उनका व्यापार कुछ समय बाद बढ़ के आप देखोगे अफीम का व्यापार, चाय का व्यापार, और सबसे बड़ा कपास का, कॉटन का व्यापार, सूती, है ना, सूती वस्त्र नहीं बोलेंगे अपन, कपास बोलेंगे, कपास,
कपास का रॉ मटेरियल यहाँ से सस्ते दामों में लेकर जाते थे और लेकर यूरोपीय मार्केट में जो है वो बेचते भी थे। और यही कपास वास्तव में ब्रिटेन इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का कारण भी बना, है ना। 19वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब 1819 के बीच में, यहाँ वहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, उसका सबसे बड़ा कारण यही था टेक्सटाइल। उनकी जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो भारत ही है। भारत से कपास उपलब्ध होता था। आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता, वो तो पढ़े होगे इतिहास में। वो जो एरिया है उसका नाम, उसको ग्रीक जो है वो क्यों बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे, सिंडन, सिंडन बोलते थे। वो क्यों बोलते थे, वास्तव में यहाँ पर कपास की बहुत अधिकता थी, है ना। ठीक, व्यापार बढ़ता चला गया, व्यापार करते चले गए, अपना व्यापार बढ़ाते चले गए। और हम यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं, पहुँचते हैं 1764 में। 1764 मतलब 1600 से 1764, 164 साल आगे चले गए अंग्रेज़ यहाँ, अब व्यापारी के रूप में अपना पांव जमा चुके हैं, है ना। ठीक, 1764 की स्थिति में जब पहुँचते हैं तो हमें एक युद्ध का मैदान दिखाई देगा, युद्ध का मैदान। और ये जो है ये कहाँ है, बक्सर। बक्सर, बक्सर कहाँ है, बिहार में। युद्ध का मैदान मतलब हम 1764 के इतिहास की कड़ी में हम जानते हैं बक्सर का युद्ध के रूप में। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। ठीक, तो बक्सर में युद्ध का मैदान है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना है, ये छोटी सेना है, और एक तरफ संयुक्त सेना है। एक तरफ संयुक्त सेना है, संयुक्त सेना किसकी किसकी, मतलब एकदम बहुत बड़ी सेना यहाँ तैयार खड़ी है एक तरफ, दूसरी तरफ। और ये संयुक्त सेना है मुगल मुगलों की सेना है। मुगल बादशाह उस समय कौन था, शाह आलम द्वितीय। ये साला ठंडा क्यों नहीं कर रहा है, नहीं 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 कुछ तो है, ऐसा नहीं हो सकता। एसी गर्मी चाहे जितनी हो, दो 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 टन का एसी है, काम करेगा। अब आया ना, एक तो वैसे ही आदमी करिया मैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना है। ठीक, बंगाल के नवाब की सेना है, कौन, मीर जाफर। असल में उस समय था राजनीतिक उठक पलट हो गया था, जो मीर जाफर नहीं रे, मीर कासिम था ना। और अवध का नवाब शुजा उद्दौला। इन तीनों की संयुक्त सेना एक तरफ खड़ी है और एक तरफ खड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। अच्छा, मुगल उस समय, जिस समय अंग्रेज भारत आए उस समय भी भारत में मुगलों की सत्ता थी, है ना। और ये जो 1764 की बात करें, इस समय भी भारत में, अधिकांश भारत में, जो आज देखते हैं हम, पूरा नहीं, अधिकांश भारत में मुगलों की सत्ता है। और जैसे बंगाल और अवध जैसे कुछ जगह जो है जहाँ मुस्लिम शासक हुआ करते थे, वहाँ के शासक वर्ग को क्या, अवध नवाब बोलते थे, नवाब, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, इन तीनों की संयुक्त सेना है, क्योंकि इन सब के कॉमन दुश्मन है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार बढ़ाते बढ़ाते अपनी एक छोटी सी सेना भी तैयार कर रखी है, क्योंकि अपने फैक्ट्री और गोदाउन को उनको सुरक्षित रखना है, उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी सेना भी तैयार कर रखी। युद्ध होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी संयुक्त सेना को पराजित कर देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें पराजित कर देती है। कारण, अत्याधुनिक हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, है ना। और एति ले मन ऐसे हल्ला बोल तलवार ले घुमा थे, उतनी दूरी दूरिया ले ठाए खत्म नहीं, तो इस तरह से। और वो उनकी उनकी ये बहुत ही माहिर थे युद्ध कला में, बहुत ही माहिर युद्ध स्ट्रैटेजी, वॉर स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ही माहिर। इन तीनों की इतनी बड़ी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया।
पराजित कर दिया, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई जो मुग़ल बादशाह है उसका सिर कलम कर दो, इन इन बादशाहों ये जो और नवाब है इनका सिर कलम कर दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो ये जानते थे कि भारत अंग्रेज़ों को अभी भी, भारतीय जनता अंग्रेज़ों को अभी भी स्वीकृति नहीं देगी, स्वीकार नहीं करती शासक के रूप में। मुग़लों को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, मुग़लों को इसलिए स्वीकार कर लिया था कि वो भी तो बाहर से आए थे, वो भी जो है आक्रमण करता ही थे, लेकिन उन्होंने जो है शासन की बागडोर के साथ साथ यहाँ पर भारतीय कल्चर को भी अपने आप में समाहित कर लिया था लगभग, है ना। अब एकाक औरंगजेब को छोड़ दो तो बात अलग है, लेकिन वरना वो जो है भारतीय संस्कृति में वो ढल गए थे। तो इनको तो स्वीकार करते थे, लेकिन इनको स्वीकार नहीं करते थे। इन्होंने क्या किया, ठीक है भैया तेरी बादशाहत बनी रहे, तेरी नवाबियत बनी रहे, लेकिन डर तो गए थे ये लोग, इतनी छोटी सी सेना और इन सबको पराजित कर दिया, लगभग भारत की सेना जो शासक वर्ग था उनको पराजित कर दिया। तो अब मतलब ऐसा स्थिति हो गया कि ये बन गए, ये सब साले बन गए, ये जीजा बन गए, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा, ऐसी स्थिति हो गई इनकी। ये सलमान खान, ये जैकी श्रॉफ बंधन फिल्म के। अब उन्होंने क्या किया, ये युद्ध जो है अक्टूबर में शुरू हुआ, ख़त्म होते होते साल का अंत हो गया और नया साल शुरू हो गया 1765। इसी युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 1765 में अंग्रेज़ों ने इनसे दीवानी अधिकार मांग लिए, दीवानी अधिकार मांग लिए, है ना। मैं दीवाना बनना चाहता हूँ, नहीं ये अधिकार है मेरा, ये अधिकार मुझे दो, ऐसा नहीं था। दीवानी अधिकार वास्तव में इन्होंने तीन क्षेत्रों के मांगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मांग लिए। दीवानी अधिकार से तात्पर्य यह है कि इन क्षेत्रों का सामान्य प्रशासन हो, न्यायिक प्रशासन हो या कर प्रशासन हो, इस पर नियंत्रण किसका हो जाएगा, अंग्रेज़ों का हो जाएगा। नाम के लिए वो नवाब बने रहेंगे बंगाल के, लेकिन वहाँ के जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथों में होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और वैसे भी ये सब नाम ही के रह गए थे, नाम के बादशाह रह गए थे, अब मतलब जो जीजा जी बोलेंगे वो करने की स्थिति में आ गए थे, वही कर रहे थे। इनको डर था भैया कि देखो जो छोटी सी सेना हमको, तीन लोगों की संयुक्त सेना को पराजित कर सकती है, अगर हम आनाकानी करेंगे तो निपटा ही देंगे। तो अब ये नाम के बादशाह हो गए, अब यहाँ से मुग़ल जो है नाम के बादशाह हो गए, बंगाल के नवाब नाम के रह गए, अवध के नवाब नाम के रह गए, अब वास्तविक कंट्रोल अंग्रेज़ों का है। 1765 में उन्होंने दीवानी अधिकार मांगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। कारण इसका भी एक कारण, क्यों बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ही अधिकार मांगे इन्होंने, ये भी बताओ। इतना पैसा लेते हैं ये वाईफाई का, स्पीड देखो, कहने को बोलते हैं 100 Mbps स्पीड देते हैं, आए उसमें भी ट्राई अगेन। वाईफाई का वो ग्रीन लाइट जल रहा है, है? अगर मैं वापस जाऊंगा तो हट जाएगा, होम में जाएंगे तो नहीं कटेगा ना। अरे यार कनेक्टेड दिखा थे, कनेक्टेड तो है,
क्या बड़बड़ाते हो रे? प्रीवियंस लिखा गया है, बताओ, फिर भी समझ लेना चाहिए उसको। खुल जा, असल में फिर से करना था इसको। फॉरगेट कर दूं? पासवर्ड मांगेगा आप? ओ बीना से बीना के पास पासवर्ड होगा, ले जल्दी से लेके आ। तो समीर है मालूम? वो शायद बदल गया है। अबे अरे अच्छा, मैं बदल दूंगा सालो। सेव नहीं पगले, अपने को कनेक्ट करना है। कनेक्ट कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये अब हो रहा है, अब हो रहा है। डिसकनेक्टेड कहाँ थे बताओ? वो मॉडम बोलो एक बार, मॉडम उधर। अच्छा इसको ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम बोल रहा है भाई, अब ये होना चाहिए। अरे किसी का मोबाइल में डेटा है? किसका है ये? नो इंटर कनेक्टेड। देखना मोबाइल केस से चल जाएगा ये, लेकिन अंबानी के 100 Mbps स्पीड वाले वाईफाई से नहीं चल रही है। साले चूतिया बनाते हैं। हो गया उसके मोबाइल से। अब आएगा पक्का। वो अंबानी का फाइबर है ना, जियो फाइबर, इसलिए नहीं आया, इसमें आएगा। मैं बोला ना, ये देखो ये है बंगाल, जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता से पहले, ये पूरा बंगाल प्रांत है। ये है बंगाल प्रांत, मतलब आज जो आप बंगाल राज्य जानते हो वो तो था ही, बिहार भी उसमें शामिल था, उड़ीसा भी उसमें शामिल था, और ये जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल में शामिल था, है ना?
असम और बांग्ला पूरा बंगाल था, इतना बड़ा बंगाल प्रांत था। बंगाल इसी 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 क्षेत्र के दीवानी अधिकार क्यों मांगे, उसका एक कारण है। कारण ये कि भाई व्यापार के लिए इनका क्या है, समुद्री मार्ग पर नियंत्रण होना चाहिए, पत्तन पर नियंत्रण होना चाहिए, पोर्ट पर। जब मुगल थे तो जब भी ये कोई व्यापार ले जाना होता था तो माल तो खरीदते ही थे, और टैक्स पटाना, माल आए तो टैक्स पटाना, ये सब ये सारी झंझटें थी। लेकिन इससे क्या होगा कि ये जो बंगाल इधर का ये पत्तन वाला क्षेत्र इनके नियंत्रण में आ गया, पोर्ट मतलब ना अब इनको किसी को चुंगी देना ना टैक्स देना, सब नियंत्रण में है। दूसरा ये कि भाई इनको रॉ मटेरियल ही चाहिए ना भारत से, और ये बंगाल आप सोचो ये जो बंगाल क्षेत्र है ना, बंगाल और बिहार, बिहार वाला क्षेत्र वहाँ गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र है, जानते हो ना, बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा यमुना, उसके नदियों का जाल, नदियों का जाल। तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ, किसी अन्य जगह से 10 गुना ज़्यादा उत्पादन। और ये बंगाल देख लो, जो बांग्लादेश देखो वहाँ भी एकदम नदियों का जाल दिखाई देगा आपको। तो ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र, तो इस पर नियंत्रण होगा, तो रॉ मटेरियल पर इनका नियंत्रण, और पत्तन पे नियंत्रण है ही है, बंदरगाह पे नियंत्रण है ही है। तो इनका मुनाफा अब 100 गुना 200 गुना बढ़ जाएगा, व्यापार का मुनाफा है ना। इसीलिए इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मांगे। ठीक, मिल गया भैया। अब यहाँ से कहानी शुरू, मतलब पहली बार हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो नहीं बने, ये शासक तो नहीं बने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित किया है ना, अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित कर लिया। आगे चलते हैं भाई, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। तो 1765 के बाद हम कहाँ पहुँचे, 1765 के बाद हम पहुँचते 1857 की स्थिति में। और 1857 की स्थिति मतलब हमारे हीरो मंगल पांडे आई, मंगल पांडे, मंगल पांडे बंगाल रेजिमेंट के एक बटालियन में सैनिक था, मतलब अंग्रेजों की सेना में एक सैनिक था। और इस समय ये कहाँ थी, मीरठ में। इस समय ये रेजिमेंट कहाँ थी, मीरठ, मीरठ में ये लोग थे। और एक दिन मंगल पांडे जो है स्नान करने बाहर निकले होते हैं, मंगल पांडे वापस आ रहे होते हैं, तो एक स्वीपर वहाँ झाड़ू लगा रहा होता है, तो परछाई पड़ गई है। वो जानते हो उस समय बड़ा कट्टरता का समय था, है ना, जातिवाद ये सब बहुत चरम सीमा पे था। तो वो उसको हड़का देता है कि भैया देख नहीं रहा है, मैं अभी अभी शुद्ध होके आ रहा हूँ, तूने अपवित्र कर दिया मुझे। तो वो खिलखिला के हंस देता है, बोलता है धर्म बचा होगा तब तो भ्रष्ट होगा, क्या मजाक करता है। तो एती चल मोर संतोला दिखाता हूँ। तो मीरठ में ले जाता है एक जगह फैक्ट्री में, अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी वहाँ, कारतूस के खोल, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्ट्रिज, क्या कहते हैं कारतूस के खोल को, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज, अबे कार्ट्रिज ऐसे लिखेंगे ना, कार्ट्रिज, हाँ, अरे ये रे यार, कार्ट्रिज, बंदूक के खोल। आजकल तो मेटल का खोल देखते हो आप, बंदूक का जो खोल होता है, बुलेट निकल जाती है, खोल बाहर गिर जाता है। तो उस समय क्या था कि इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी सेना में एक नई एनफील्ड राइफल, एनफील्ड बुलेट नहीं, राइफल, राइफल अपने सैनिकों को दी थी। और उसकी, उसमें क्या था कि छर्रा, छर्रा चलता था पहले, छर्रा सामने से खोसो ऐसे ऐसे रॉड से, फिर फायर करो। तो वो इंट्रोड्यूस की थी। तो भाई उनसे पहले जो कार्ट्रिज बनाते थे, मतलब गोली का खोल, वो बहुत महंगा पड़ता था अंग्रेज़ों को। तो उन्होंने गाय और सुअर की चर्बी से ये खोल बनाना आरम्भ किया। और देखा, मंगल पांडे जाके देखा कि जिस खोल को हम लोग अपने दांतों में से काटते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध के दौरान, क्योंकि समझ जाओ उस समय आज मेटल का खोल वैसा नहीं था, वो छर्रा एक पाउच में रहता था, उसको ऐसे ऐसे सामान्य ऐसे विमल की तरह से फाड़ दोगे नहीं फटेगा, अजय देवगन फाड़ता है उसको, है ना, वो तो टाइट। अब युद्ध चल रहा है भाई, उधर से गोली चल रही है, उस समय चाकू से काट ही, फिर छर्रा निकाल ही डाल ही, तब तक तो उसका काम तमाम हो जाएगा। तो फिर ऐसा था कि काटे, छर्रा निकाले,
तो मुंह में लगाते थे सैनिक। अब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों का धर्म पे अटैक माना गया इसको। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, अब मुसलमानों के लिए सुअर हराम है। मंगल पांडे अपने बैरक में आते हैं, बताते हैं कि देखो भैया अंग्रेज अब हमारे धर्म पर अटैक कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम सारे सैनिक उसमें थे अंग्रेजों की सेना में। लगभग 60% से ज़्यादा सैनिक भारतीय ही थे अंग्रेजों की सेना में। ठीक, अब वो बाल कुल पकड़ लिया और लोगों और उस सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, राइफल तो उनके पास थी ही, शस्त्र लूटे, दो अधिकारियों को, दो अंग्रेजों को गोली मारी और वहाँ से रातों रात निकल पड़े। निकल पड़े, मीरठ से दिल्ली पास है, भागते भागते जो है सुबेरे सुबेरे पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। और इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। इस समय है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 60 साल का बुढ़ा, लंबी लंबी दाढ़ी, बैठा हुआ है ऐसे जैसे बैठते ना स्टाइल से, कैसे बताऊं, बैठा हुआ है। ये लोग पहुंचे है ना, तो आप हम विद्रोह कराए हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, आप हमारे हो, आप हमारे नेता हो, आप हमारे आप लीड करो, हम अब विद्रोह करेंगे अब। तो पहले तो बहादुर शाह जफर की फटी, अंग्रेजों से वैसे ही फटी में थे 1764 से। लेकिन थोड़े समय बाद जब वो सोचा तो उसके मन में लड्डू फूटा, बोला साला अंग्रेजों की सेना में तो भारतीय सैनिक हैं, और भारतीय सैनिक अभी तो ये छोटे से लोग, ये लोग विद्रोह करके आए, अगर सारे भारतीय सैनिक एक साथ हो गए तो अंग्रेजों के एक रात्रि नहीं लगेगी साफ करने में, है ना। दूसरा लड्डू जो फूटा फिर रियल बादशाहत आ जाएगी, अभी तो नाम के बादशाह है बस, है ना। तो साथ दे दिया, हाँ अब मैं तुम्हारा नेता हूँ। और उसके संपर्क में, उसके बहादुर शाह जफर के आह्वान पे जगह जगह और लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है ना, कानपुर में तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, लखनऊ में आपके बिहार में कुंवर सिंह, ऐसे अलग अलग भारत के अलग अलग भागों में इस विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने संभाला। डिटेल आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, संभाला। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में इस बिखरे हुए विद्रोह को आसानी से दबा दिया। क्यों? तो ये विद्रोह जो है, और इसे ही इतिहासकार भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं, इसी 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है, कि मतलब भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला प्रयास हुआ इस प्रकार से व्यापक। लेकिन अंग्रेजों ने इस, ये जो विद्रोह जितनी जल्दी शुरू हुआ उतनी ही जल्दी उन्होंने दबाने में कामयाबी पा ली। इसका कारण था, इसका कारण ये था कि एक तो ये जो विद्रोह हुआ ये कोई योजनाबद्ध तरीके से हुआ ही नहीं, अचानक हुआ आवेश में। दूसरा ये कि बिखरा हुआ था, अगर ये सारे एक साथ होते किसी जगह पे तो अंग्रेजों का पसीना छूटता, लेकिन अलग 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 बिहार में, कानपुर में, दिल्ली में अलग अलग जगह हुआ थे, तो अंग्रेजों मन का करीस अपन एक एक टुकड़ी भेजिस और इस ये विद्रोह ला दबा दीस, खत्म होगी विद्रोह। ये विद्रोह, इस विद्रोह को हम असफल नहीं मान सकते, असफल नहीं है। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन ये विद्रोह असफल बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस विद्रोह ने एक एक मैसेज पहुंचाया, एक संदेश दिया कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सकते हैं। राष्ट्रीयता की चेतना जागी, राष्ट्रीयता की भावना जागी कि यह अंग्रेज हमारे दुश्मन है, इन्हें हमें खदेड़ना है। ये चिंगारी तो यहीं से उठी थी, ठीक। अच्छा, इस चिंगारी, यही चिंगारी जो उठी, इसी ने भारत में क्रांतिकारियों को जन्म दिया। आप देखेंगे भारत में जगह 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 गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का उदय हुआ, जिनका उद्देश्य क्लियर था बहुत, अंग्रेजों को खदेड़ना यहाँ से और भारत को स्वतंत्र कराना। बड़े बड़े आपको क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, ऐसे नाम आपको इतिहास में दिखाई देंगे, है ना, जो वास्तव में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे रहे थे और बिना किसी स्वयं के लालच के। उनको पता था हम पकड़े जाएंगे तो एक ही सज़ा होनी है, हमको फांसी होनी है। लेकिन वो जो दीवानगी
जो आप देखते हैं क्रांतिकारियों की, वो जन्म यहीं से लेती है, जन्म यहीं से लेती है। ठीक, और आगे चलकर 1857 के बाद ये कहानी आगे बढ़ेगी, तो हम पहुंचते हैं 1885 में। 1885 कांग्रेस का उदय। कांग्रेस, ये जो आज कांग्रेस पार्टी आप देखते हो, जिसके आजकल सूत्रधार बने हुए हैं पप्पू गांधी, ये वही कांग्रेस पार्टी है। इसका ये उदय होता है और इसका निर्माण करते हैं ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ये स्कॉटिश मतलब यूरोपीय थे। 1857 की क्रांति से एक और फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ा कि अंग्रेज ना, जब 1764 में इनको दीवानी अधिकार मिलते हैं, तो अंग्रेज़ों की खासियत थी कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम ऐसे ही नहीं बना के रखा, लगभग 54 देशों पर राज किया उन्होंने। तो वो वहाँ पर एक नियमावली, एक रूल बनाकर, एक एक्ट बनाकर, एक अधिनियम बनाकर शासन करते थे, जबकि हमारे भारत में कैसा था, राजतंत्र था, है ना। मतलब जिन दिन राजा के दिमाग ख़राब है तो वो दिन कोनो चिड़िया चोरी या मुर्गा चोरी में दरबार में आईस, दिमाग ख़राब है, रात में बेलन, रानी से बेलन में मार खाए, दिमाग ख़राब है, फांसी पे लटका दिया जाए, कोई मतलब लिखित कानून उन्होंने नहीं, राजा ने जो कह दिया वही शासन है ना। बाहुबली में कौन बोलता है, माहिष्मति का वचन ही शासन। तो ऐसा ही होता था, मूड खराब है तो जो मन करे वही उसका शासन है। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, बाकायदा वो शासन चलाते थे एक नियमावली बनाकर, एक अधिनियम बनाकर। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत में अधिनियम बनाकर शासन शुरू किया था। 1764 रेगुलेटिंग एक्ट, सिर्फ कहानी की तरह इसको समझो, दिमाग में रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1764 में इस तरह का पहला कानून बनाया उन्होंने। इस तरह बनाते गए जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, समय समय पर वो अलग अलग अधिनियम बनाते रहे। अंतिम अधिनियम उनका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, क्योंकि उसके बाद हम आज़ाद हो जाएंगे, अब भारत का संविधान के अनुसार से शासन होगा। लेकिन 1774 से उन्होंने शुरू किया और 1947 तक इस प्रकार अधिनियम बनाकर भारत में शासन किया है। ठीक, तो 1857 से बदलाव हुआ, इस क्रांति से एक बदलाव हुआ। रानी ब्रिटेन में बैठी हुई डर गई, विद्रोह हुआ है, विद्रोह की शुरुआत हुई है, मतलब आगे संभावना बनी रहेगी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कार्य करेगा, जो पहले व्यापारी के साथ साथ शासन भी कर रहा था महाराणा की ओर से, लेकिन अब सीधा सीधा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया और महारानी के हाथों में चला गया। अब महारानी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ शासन करें। ये बदलाव हुआ पहला 1857 की क्रांति से। और दूसरा ये कि वो डर अभी भी व्याप्त था, इसलिए बड़ी ही चालाकी से कूटनीतिक चाल चली गई और एओ ह्यूम के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। इतिहासकारों ने कांग्रेस की इस प्रकार की स्थापना को इसकी तुलना सेफ्टी वॉल्व से की है। सेफ्टी वॉल्व है ना, पानी के पाइप, बड़े बड़े पाइप में वॉल्व लग रहे होते हैं जिससे पानी को नियंत्रित किया जाता है, जब पानी छोड़ना हो तो नियंत्रित किया जाए, पानी ना बंद करना हो तो नियंत्रित किया जाए, सेफ्टी वॉल्व। तो 1857 की इस क्रांति से जो राष्ट्रीयता की चिंगारी जो उठी थी, जो सैलाब उठा था, उसको रोकने के लिए कि आगे जो है इसकी चिंगारी आग ना लगा दे, ये कांग्रेस रूपी एक सेफ्टी वॉल्व अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र पूर्वक खड़ा कर दिया। ऐसा इतिहासकारों ने कहा है कि वास्तव में ये चाल थी अंग्रेज़ों की, एओ ह्यूम के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना की और एओ ह्यूम ने जो है लोगों से आह्वान किया कि आइए कांग्रेस से जुड़िए, भारतीय कांग्रेस से जुड़िए, हम इस
कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अपनी मांगे सरकार ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेंगे और ब्रिटिश सरकार को मानना होगा। लॉलीपॉप पकड़ा दिया, लॉलीपॉप ही था ये कि आगे 1857 जैसी विद्रोह अशांति की स्थिति ना पैदा हो, इसी से इसीलिए वो डर रहे थे। इसी डर का उत्पाद है कांग्रेस, जिसे जिसकी रचना ए ओ ह्यूम ने की थी, जिसका निर्माण ए ओ ह्यूम ने 1885 में किया। ठीक, मतलब कांग्रेस पार्टी का गठन भी हो गया। इसी में आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता आपको दिखाई देंगे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, है ना, ऐसे बड़े बड़े नेता। जवाहरलाल नेहरू अंतिम श्रेणी में, नेता तो मानता नहीं मैं, है ना, क्योंकि जितना मुझे पता है उस हिसाब से जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री बने उसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र और लालच था। तो चलिए उसको छोड़िए, ये कांग्रेस का गठन भी हो गया। कांग्रेस का गठन हो गया, अब कहानी आगे बढ़ेगी। मतलब आप 1600 से कहाँ बढ़े पहुँचे कहानी में, सीधे 1764 में पहुँचे, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद आप 1857 की क्रांति में पहुँचे। 1857 की क्रांति के बाद आप पहुँचे 1885 कांग्रेस के गठन में पहुँचे। 1885 के बाद अब हम सीधे चलते हैं 1939 to 45। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। दो पार्टी कौन कौन सी थी पता है? एक एक्सिस पार्टी, एक एक्सिस और एक मित्र देश, अलायंस, मित्र देश, एक्सिस पावर, एक एक्सिस पावर। ठीक, इसको हिंदी में लिख लो एक्सिस, एक एक्सिस ध्रुवीय राष्ट्र, इसको क्या बोलेंगे अपन, ध्रुवीय राष्ट्र, और एक तरफ मित्र देश, मित्र देश। कौन कौन शामिल है मित्र राष्ट्र में? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। उस समय रशिया नहीं, उस समय सोवियत संघ, सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद रूस बना। ठीक, ये और इधर जिग, जापान, इटली और जर्मनी, मेन विलन यही है, जर्मनी, मेन विलन जर्मनी, क्योंकि जर्मनी ने ही पोलैंड पर अटैक किया था। ईसवी युद्ध की शुरुआत इसी से हुई थी, और चूंकि जो है पोलैंड जो है इंग्लैंड का मित्र था, तो इंग्लैंड इस युद्ध में कूद आया। साथ में इसके कुछ दोस्त आ गए, और रात पूरा वही महीनों 6 साल तक रात भर दिन भर मिसाइल झाएं सू करता रहा, है ना, लोग सो नहीं पाते थे कि किसके ऊपर कहाँ कब मिसाइल आके गिर जाए। ठीक, तो बम जब फटता है तो केवल बम ही नहीं फटता, और भी बहुत सारी चीजें फटती हैं। ठीक, तो ये विशुद्ध चला, ये विशुद्ध चला। इस विशुद्ध का परिणाम ही वास्तव में असल में एक एक बहुत बड़ा कारक है ये भारत की स्वतंत्रता का। इस विशुद्ध को हालांकि मित्र राष्ट्र ने जीता, लेकिन जीतने के बावजूद ये आर्थिक रूप से और सैन्य दृष्टि से इतने कमजोर हो गए। इस 6 साल भैया युद्ध चला ही, बहुत कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए कि अब भारत जैसे राष्ट्र को, जहां क्रांतिकारी एक्टिव हैं, जहां अब कांग्रेस जो है एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर चुका है, और हाल ही में 1942 में कांग्रेस ने एक आंदोलन भी छेड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, और एक और घटना जो इससे भी महत्वपूर्ण है, सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस में शामिल थे 1900 जब ये विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने गांधी को मनाने का प्रयास किया कि यही सही समय है हमें जापान का सहयोग लेकर अंग्रेजों पर आक्रमण करके खदेड़ देना चाहिए, हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन गांधी ने अहिंसा का लॉलीपॉप फिर पकड़ा दिया,
और सुभाष चंद्र बोस को ये रास नहीं आया, उन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया। कांग्रेस का त्याग कर दिया, चले गए कहाँ, सिंगापुर। वहाँ एक कैप्टन मोहन सिंह, पहले से मतलब वास्तविक जो अगर बोलोगे ना कि क्या आज़ाद हिंद फौज का जो संस्थापक हो कैप्टन मोहन सिंह है, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस गए तो उन्होंने एकत्रित किया, वहाँ लोगों को एकत्रित किया और वहीं पर एक भाषण दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत चर्चित नारा सुभाष चंद्र बोस का। और इतने स्ट्रांगली मतलब इतना संगठित किया वहाँ, तो वास्तविक संस्थापक वैसे सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है आज़ाद हिंद फौज का। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जापान के सहयोग से चढ़ाई कर दी और यहाँ अंडमान निकोबार में तिरंगा अपना मतलब आज़ाद हिंद फौज का झंडा भी लहरा दिया। अंग्रेज़ों को वहाँ से हटाकर अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। तो अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी चिंता जो थी वो सुभाष चंद्र बोस आ रहा है ना। अगर नेताजी ऐसे ही नहीं बोलते थे, नेता का अगर वास्तव में परिचय देखना हो तो सुभाष चंद्र बोस से सीखो, जो जिस वास्तविक नेता जो कद में नेतागिरी में कद इतना बड़ा था ना सुभाष चंद्र बोस का, जिसको बड़ी ही चालाकी से किताबों से जो है एक पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया गया, इतना बड़ा कद था नेताजी का कि ये अनुमान लगाओ कि नेताजी ने एक बार आवाहन बस किया, दो ट्रक सोना महिलाओं ने, भारतीय महिलाओं ने दान दे दिया, दो ट्रक सोना था वो, और अचानक रहस्यमय मृत्यु हो गई सुभाष चंद्र बोस की, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है। सुभाष चंद्र बोस यदि जीवित होते ना तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, मैं बता दूं, वही होते, कोई कद नहीं था। और ये इनके कद का अंदाजा ऐसे लगा लो कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में एक तरफ गांधी ने अपने सीतारामैया को खड़ा किया, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, सीतारामैया हार गया। उसी समय जो है गांधी के अभिमान का पता चलता है जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार। क्यों भाई, लोकतंत्र की आप बात करते हो, मतदान जो है मतदान द्वारा चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा मिला, वो जीत गए, तुमको तो पीठ थपथपानी चाहिए थी। तो ये अभिमान वाला अभिमान नहीं झलकता इससे कि ये सीतारामैया नहीं हारा है, गांधी हारा है। ठीक, ये कद था इनका। ठीक, और जवाहरलाल नेहरू का कद देखो, वो तो वल्लभ भाई पटेल धो दिए थे। जब अगर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो 14 वोट मिला था वल्लभ भाई पटेल को, 2 वोट मिला था जवाहरलाल नेहरू को, 1 वोट तो खुद ही का था। ये स्थिति थी, हाँ ये तो स्थिति थी। और फिर जब आज़ाद हो गया तो देखो गांधी स्तुति, जवाहरलाल नेहरू स्तुति, कांग्रेस स्तुति, बस यही किया गया है किताबों में। खैर छोड़ो उसको, क्लियर है। चलो, इस विश्व युद्ध के खत्म होते ही इस समय 1945 में अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया। कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्लीमेंट एटली। इन्होंने घोषणा कर दी कि हम जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे, जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करके चले जाएंगे, घोषणा कर दिया। और कूटनीतिक चाल चली, इन्होंने ये नहीं, कभी भी क्लेमेंट एटली ने ये नहीं बोला कि मुझे डर है सुभाष चंद्र बोस का या इसका या उसका। इन्होंने बोला कि हम भाई कांग्रेस की मांग को स्वीकारते हैं और हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये बोल देते, बता देते कि वास्तव में हम क्रांतिकारियों और सुभाष चंद्र बोस से परेशान हैं, हमको सबसे बड़ा डर उनसे है, अगर ऐसा कह देते तो वो जो 54 देशों को गुलाम बनाया था ना भारत समेत, वहाँ एक मैसेज चला जाता, अरे हमू मल्लम मारेला पढ़ी बम हम, जहाँ अंग्रेजों को देखो बम हम से उड़ा दो, तभी डर के ये लोग आज़ाद करेंगे हमको, तो ये मैसेज चला जाता। तो बड़ी कूटनीतिक तरीके से बोला कांग्रेस के मांग को हम स्वीकार करते हैं और हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे और भारत की सत्ता हम कांग्रेस को सौंप कर चले जाएंगे। भाई डिक्लेयर हो गया 1945 में, डिक्लेयर हो गया तो अब भाई अब ये तो क्लियर था कि भाई स्वतंत्र भारत, जो भारत स्वतंत्र होगा उसकी सत्ता किसके हाथों में होगी, कांग्रेस के हाथों में होगी। अब कांग्रेस, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया,
कि 1946 में एक अंतरिम सरकार के गठन किया, अंतरिम सरकार, एंटरिम गवर्नमेंट। और इस एंटरिम गवर्नमेंट में अध्यक्ष कौन थे उस समय के, वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड वॉवेल। और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जे नेहरू। और मतलब मंत्रिमंडल और भी मंत्री थे, जैसे बाबू जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, है ना, लियाकत अली जो है वित्त मंत्री। इस तरह से मंत्री सब बनाए गए ताकि क्या है कि ये जान जाए कि शासन कैसे चलेगा, कैसे शासन करना है। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में। अच्छा, अब ये लोग चला तो रहे हैं। अब भाई, जैसा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, क्या की थी? स्वतंत्र भारत में राजतंत्र नहीं होगा, क्या होगा? लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र, स्वतंत्र भारत कैसा होगा? लोकतंत्र होगा स्वतंत्र भारत में। और लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ पर शासन अब एक सरकार द्वारा होगा। किसके द्वारा? सरकार के माध्यम से शासन चलेगा भारत में। और इस सरकार की प्रकृति कैसी होगी? लोगों के लिए। सुने होंगे बचपने में, जनता की, लोगों, जनता एक ही बात है, है ना। लोगों की सरकार किसकी होगी? लोगों की होगी। मतलब हम ही लोगों में से 20 से सांसद और विधायक खड़े होते हैं चुनाव के लिए, वही जाकर तो सरकार बनाते हैं क्या? लोगों द्वारा। तो चुनते कौन है सांसद और विधायकों को? लोग ही तो चुनते हैं। और ये जब वहां चले जाते हैं, सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो किसके लिए कार्य करेंगे? लोगों के लिए। झूठ है, अपने लिए काम करते हैं साले, बस चूतिया बनाते हैं, ऐसे सेवा का अवसर दो। ये लोकतंत्र, आज कल लोकतंत्र का यही स्वभाव। ये तो इन्होंने बोला भैया कि फिर हम भारत के संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो कांग्रेस ने फिर अंग्रेजों से निवेदन किया कि भैया देखो, हमारे लिए, हम भारत का संविधान बनाने में हमारी सहायता करें, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है। हम तो हजारों सालों से गुलामी का जीवन ही जिए, कभी अरबी, कभी तुर्की, कभी मुगल, कभी आप लोग, गुलाम ही रहे हम। तो हमारी, भारत के लिए संविधान बनाने में हमारी सहायता करें। तो नवंबर 1946 अंग्रेज एक दल भेजता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। ये यहाँ भेजते हैं, जिसमें तीन सदस्य होते हैं, तीन दल, पैथिक, लॉरेंस, स्टाफोर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर। ये तीन सदस्यीय दल आता है जिसके अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। ये आते हैं और ये यहाँ एक संविधान सभा का निर्माण करते हैं। क्या, किसका निर्माण करते हैं? एक संविधान सभा, या संविधान सभा बोल लो, संविधानिक सभा बोल लो, या संविधान निर्माती सभा बोल लो, बात एक ही। संविधान सभा का निर्माण करते हैं जहाँ कितने सदस्य? 389 सदस्य। इस संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? 389 सदस्य। 389 सदस्य। ये सदस्य कुछ निर्वाचित भी होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित भी होते हैं कुछ सदस्य। ये पेन परेशान कर रहा है। अप्रत्यक्ष निर्वाचित भी होते हैं और कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं, कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं। अब इसमें दो सदस्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई। जो परतंत्र भारत था उसमें आज की तरह राज्य थोड़ी थे, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उस समय परतंत्र भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेजों का नियंत्रण था उसे अंग्रेजों ने प्रांत का दर्जा दे रखा था। इस प्रकार के 11 प्रांत थे भारत में। और जहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण अप्रत्यक्ष था, जहाँ पर स्वतंत्र रूप से राजा महाराजा शासन करते थे, उन्हें बोला जाता था देसी रियासत। उन्हें अंग्रेज बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत, है ना, वहाँ राजा महाराजा शासन करते थे।
तो ब्रिटिश प्रांत इसमें सदस्य कहाँ कहाँ के थे? एक तो ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश के अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, वहाँ के कितने? 296 इतने सदस्य प्रांतों से, और देसी रियासतों से 93 देसी रियासतों से 93 सदस्य। ये है ना, तो सब इसे डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ भूमिका है, जितना मुझे मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। ये इस 296 को भी दो भागों में तोड़ दिया, 4 और 292 292 ब्रिटिश प्रांतों से। तो ये कहाँ से, ये कहाँ से आ गए? ये ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से, ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से। वो चार याद है क्या किसी को? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान। तो अंग्रेजों ने इन चार क्षेत्रों को कमिश्नरी प्रांत का दर्जा दे रखा था। तो चार सदस्य यहाँ से, इसी देसी रियासत में हमारे भारत, हमारे छत्तीसगढ़ में भी तो रियासतें थी। पूरे भारत में जानते हो कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें, जिसमें से 13 रियासत जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो 13 चला गया पाकिस्तान में, बचा 552 है ना, 52 ही बचेगा ना, 552 भारत में बचा था। 552 रियासतों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितनी रियासत थी? 14। और इन देसी रियासतों के जो सदस्य थे ना 93, इसमें से 3 छत्तीसगढ़ से थे, है ना, देसी रियासत से। यहाँ 3 छत्तीसगढ़ थे, देखो सरगुजा का, एक रायगढ़ का और एक कांकेर का, है ना, रियासतों के प्रतिनिधि, 3 प्रतिनिधि यहाँ 93 में छत्तीसगढ़ से थे, और 3 ब्रिटिश प्रांतों में, तो मध्य प्रांत एवं बरार का ही तो हिस्सा था छत्तीसगढ़, यहाँ से भी 3 थे। कौन कौन याद है? पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त और बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक, वो छोड़ो उसको, अभी छत्तीसगढ़ में मत घुसो। बनाया ये संविधान वास्तव में, संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन ने किसका गठन किया? संविधान सभा का गठन किया, और इस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। किसने निर्माण किया? संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण किया है, ठीक, मतलब 1947 के प्रारंभ में इस संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। लगभग 1947 के प्रारंभ में इस भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया, है ना। निर्माण प्रारंभ ही हुआ था कि आम 15 अगस्त 1947 को ही हम आज़ाद हो गए, भारत स्वतंत्र हो गया, और संविधान तो बना ही नहीं भाई, अभी तो कुछ ही महीना हुआ है, निर्माण कार्य प्रारंभ ही हुआ है। अब भारतीय संविधान को बनने में, जानते हो जिसका निर्माण यहाँ से शुरू हुआ प्रारंभ में, अभी बहुत समय लगने वाला है, लगभग कितना समय? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और हम आज़ाद हो गए। अब कैसे भाई, संविधान बनेगा तभी तो स्वतंत्र भारत में चुनाव करवाया जाएगा, सरकार बनेगी, तो संविधान तो अभी बना ही नहीं है, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। तो फिर क्या हुआ, एक अंतरिम सरकार बनी थी, इसी बीच अभी संविधान जब तक नहीं बना है काम चलाओ सरकार बना लेते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनेगा, स्वतंत्र बिना चुनाव के ना, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। और इसमें प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि, ये सब है ना, गृह मंत्री सब ऐसे ही सारे मंत्री बने बकायदा, जैसे आज होती है पटेल, ये बनाएंगे। अब भाई स्वतंत्र भारत का शासन चल रहा है इस मंत्रिमंडल के माध्यम से, लेकिन संविधान तो अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, चुनाव होगा नहीं, तो संविधान को
संविधान के कुछ प्रावधान, कुछ प्रावधान जो है वो 26 नवंबर 1947 को लागू कर दिए गए, लगभग 15 प्रावधान, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव आयोग और इससे संबंधित प्रावधान लागू कर दिए गए, क्योंकि संविधान अभी भी पूर्णतः तैयार नहीं। और फिर अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार है और पूर्ण रूपेण लागू कर दिया जाता है भारत में। ठीक ठीक, मतलब हमारा संविधान बनके तैयार है ना। और उसके बाद 1952 में पहले लोकसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव में सरकार कांग्रेस चुनाव जीत जाती है और प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं, है ना। राष्ट्रपति कौन थे? और इस प्रकार भारत का संविधान बनकर तैयार है, एक किताब के रूप में इस प्रकार से भारत के संविधान की किताब तैयार है ना। अब देखो सामने क्या लिखा होगा अंग्रेजी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वही तीन शेर चार शेर एक पीछे रहता दिखता नहीं है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ से जो लिया गया है वो भी है ना, नेशनल एम्ब्लम वो लिखा हुआ है अंग्रेजी में लिखा है। मतलब एक खास बात, ये जो हमारा मूल संविधान है 1950 में जो लागू हुआ उसे हम क्या कहेंगे, मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, हस्त लिखित था। ये इसकी खासियत क्या थी, हस्त लिखित था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा, उनका भी श्याम बिहारी रायजादा भी इसमें सम्मिलित थे। ठीक, प्रेम बिहारी रायजादा, और कौन सी भाषा में? अंग्रेजी। मूल संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा। ठीक, कवर है अब किताब खुल ही नहीं, किताब ऐसे समझ जाए ऐसे पलट दें कवर ला हटा दें। तो ये संविधान में जो पहली चीज शुरू होगी वो क्या होगी, किसी भी किताब में शुरुआत में आप इंट्रोडक्शन देखते हो प्रीफेस देखते हो, उसी प्रकार संविधान की भाषा में हम क्या बोल रहे हैं, प्रस्तावना। क्या होता है प्रस्तावना? प्रस्तावना किसी किताब का सारांश होता है, वो बता देता है। प्रस्तावना यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे किताब में क्या क्या आपको मिलेगा। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, प्रस्तावना क्या है, किसी किताब का सारांश। अब भारतीय संविधान के प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान का एक सारांश, सारांश है प्रस्तावना। या फिर आप ऐसा बोलो कि आने किताब की विषय वस्तु का प्रतिबिंब है, वो आपको आइडिया दे देता है कि किताब में आपको आगे क्या क्या मिलेगा। ठीक, अच्छा प्रस्तावना से पहले इस संविधान में क्या क्या, प्रस्तावना तो है इस किताब में, और ये जो पूरी किताब है आप, ये पूरी किताब किसमें बटी हुई मिलेगी, भागों में, किसमें, भाग में, और कितने भाग, 22 भाग। ये पूरी की पूरी किताब जो है आपको भागों में विभक्त दिखाई देगी, कितने भागों में, 22 भागों, और प्रत्येक भाग किसमें विभक्त दिखाई देंगे आपको, अनुच्छेदों में, अनुच्छेदों में, प्रत्येक भाग अनुच्छेदों में विभक्त दिखाई देंगे। अच्छा, इनके भाग के अलावा इस किताब में और क्या है, अनुसूची है, अनुसूची है कितनी, 8। ये मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, लेकिन संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इसी संविधान में ये व्यवस्था भी कर रखी है कि भविष्य में यदि इस संविधान में संशोधन भी किए जा सके भविष्य में, है ना, पूरी ये व्यवस्था पूरी कर रखी कि भाई देखो 1950 की स्थिति में हम संविधान बना रहे हैं, है ना, आज की जो रिक्वायरमेंट है, आज की जो मनोदशा है अलग है, 100 साल बाद क्या ये संविधान प्रासंगिक रह जाएगी, रेलेवेंट रह जाएगी उस बदले हुए युग में। तो इस संविधान में ही ये व्यवस्था की गई है कि जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार इस संविधान में जो चीज़ें जो समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं रहेंगी, रेलेवेंट नहीं, अनुपयोगी हो जाएंगी, उन्हें संविधान में संशोधन कर निकाला भी जा सके और नई चीज़ें, नई ज़रूरत की चीज़ें इस संविधान में डाली भी जा सके। उसकी प्रक्रिया है वो हम बाद में देखेंगे।
लेकिन संविधान संशोधन है। अब संविधान होता क्या है? किसी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है, है ना, सर्वोच्च कानून। अब प्रशासन के लिए जो भी विधि सरकार बनाएगी, जो भी संसद बनाएगी, जो भी विधानमंडल जो भी विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, है ना। सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान। और उसी संविधान के परिधि के अंदर ही चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे संसद हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे राज्य का विधानमंडल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, इन सबको उसी के अनुसार उसी की परिधि के अंदर ही कार्य करना होगा। यदि कोई भी हो तुर्रम खां, यदि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके कृत्यों को असंवैधानिक करार देते हुए एक अपराध होगा, वो संविधान का उल्लंघन होगा वो, ठीक। तो संविधान क्या है? किसी राष्ट्र का सर्वोच्च कानून, है ना, उसी के अंतर्गत रह के सारी गतिविधियां, सारे प्रशासन, सारी विधायिका अपना कार्य करेगी, प्रशासनिक कार्य उसी के प्रावधानों के अंतर्गत होंगे जो कि संविधान के किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं कर सकते। समझ गए? ठीक। अच्छा, ये तो रही स्थिति मूल संविधान की। अब मैंने बताया ना कि संविधान में संशोधन भी तो हो सकता है, तो संविधान में समय समय पर बहुत सारे संशोधन हुए, है ना। संशोधन होकर आज वर्तमान में दशा बदल चुकी है। वर्तमान में भागों की संख्या कितनी? 22 है। ये नहीं बदला, 22 है। अनुच्छेद जो है वो 470 प्लस हो गए, डायनेमिक है। और उस समय अनुच्छेद थे 399, कितने थे? 399 अनुच्छेद थे उस समय। 95 एकदम अलग आंकड़ा कहा थे, 395 थे, पता नहीं कैसे 99 आ गया मेरे दिमाग। ठीक, ये बढ़कर हो गए 470 प्लस, डायनेमिक है, बदलता रहता है। और अनुसूचियां बदल कर कितनी हो चुकी हैं? 12। वर्तमान परिस्थिति में ये स्थिति है भागों की। अच्छा, कुछ किताबों में आप 25 पढ़ लेंगे, गलत है वो। कुछ किताबों में आपको भाग 25, वर्तमान में 25 भाग दिखाएगा, गलत है वो। भाग आज भी 22 हैं। वो इसलिए कि मान लो एक भाग था 4, है ना, संविधान में संशोधन कर एक भाग बनाया गया 4 का, तो भैया ये भाग हुआ कि उपभाग हुआ 4 का? उपभाग हुआ ना, इसीलिए इस प्रकार से भागों की संख्या आज भी 22 ही है, है ना। 4 का जुड़ा, फिर 9 का जुड़ा, फिर 9 खा भी जुड़ा, है ना। वो आर्टिकल में पहुंच गए, नौनी तू, मैं भाग में हूं, ठीक। तो इस प्रकार संविधान की स्थिति ये है। अब कल से अपन, अभी भी 2 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, मतलब संसद क्या होती है, संसद कार्य कैसे करती है, वो चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद अपन सीधे टॉपिक पे आ जाएंगे, संवैधानिक विकास से, संवैधानिक विकास से चलेंगे, है ना। और मेरे साथ साथ चलोगे साला, कोई पिछड़ा, और पिछड़ोगे कब? जब एब्सेंट छुट्टी मारोगे, और जो छुट्टी मारेगा, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे।